वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम हमारी पेटी है ना, ये वाली, ये पेटी की जगह एक्सचेंज करने वाले हैं क्योंकि अभी कबूतर का उड़ने का सीज़न बंद हो चुका है गाइस। क्योंकि आज अभी कबूतर बहुत दूर दूर जाती है गाइस उड़ाने के कारण, और मेरे को भी काम रहता है, अब मेरा कॉलेज चालू होने वाला है। तो गाइस मैं अभी कबूतर तो अंदर रखूँगा, कहाँ पर, अपने रैबिट के खोली में, रैबिट के रूम में रख दूँगा। और तो गाइस देख सकते हो अभी तक पेटी इधर ही है, और मैंने अभी तक अपने कबूतर छोड़े नहीं है गाइस, कौन से भी जोड़ा छोड़ा नहीं है। और देख सकते हो अंदर ही है, और अभी इनको तो एक पिंजरे मिट्टू के पिंजरे में डाल देंगे और पेटी उठा के उधर रख देंगे गाइस। तो पहले उधर की जगह साफ करेंगे, क्या है तो कैसा है। देख सकते हो गाइस ये है अपनी रैबिट के रूम, सब रैबिट मज़े में, और हम रखने वाले कबूतर की पेटी इधर नीचे, और रैबिट भी नीचे आ चुके हैं, और उस साइड कबूतर की पेटी रखेंगे। पहले वो टोपले निकाल लेते हैं गाइस। रैबिट भी है और मुर्गियाँ भी है गाइस, तो अब इधर कबूतर भी आ जाएंगे गाइस। सकते मुर्गी ने अंडा दे चुका है, देखो तो इसको रख देते अंदर, वो अंडा लेके जाते हैं, बहुत छोटा है गाइस कबूतर के इतने जैसा ही है। तो अभी पेटी काम इसमें, पहले अब सब कबूतर इधर रख देते हैं इसमें, और फिर उधर पेटी लेके जाएंगे। कबूतर अंदर है गाइस, 5 कबूतर अंदर है, बच्चा भी अंदर है, बच्चों को भी उधर लेके जाएंगे। तो पहले इसको तारा कबूतर को अंदर डाल देते हैं, और सब डालेंगे गाइस, एक भी ऐसा जोड़ा रखेंगे नहीं। तो गाइस देख सकते हो अपने सब कबूतर इसमें है, और ये लेके जाएंगे अब हमारी जगह पे। देख सकते हो आप, मैंने इधर इन कबूतर को लेके आ चुके हैं अपने, कितने 5 कबूतर है, और अब लेके जाएंगे अपने कबूतर के बच्चे को। कबूतर का बच्चा है अकेला इसमें, और फिर लेके जाएंगे, मैं अकेला ही हूँ गाइस, तो पेटी लेने जाने के लिए बहुत तकलीफ होगा गाइस। तो देखते हैं गाइस लेके जाते हैं, देखो बच्चे को रख देते इधर, और डायरेक्ट पेटी उधर लगाने के बाद ही वीडियो कंटिन्यू करूँगा गाइस, क्योंकि मुझे अकेले में उछलनी पड़ेंगी और कैमरा कौन पकड़ेगा, इसलिए मैं डायरेक्ट उधर पेटी रख दूंगा फिर दिखाऊंगा। देख सकते हो मैंने पेटी अंदर रख दी है, और देखो कबूतर भी इसके पास ही है, और आप देख सकते हो अब आज से कबूतर यही रहेंगे गाइस, ऊपर खरगोश नीचे कबूतर। इनका दरवाज़ा खोल देते हैं, और देखते हैं गाइस एक एक करके कौन आता है पहले, और देखते इनका रिएक्शन गाइस। तो गाइस अपना मोटा कबूतर आ चुका है पहले, तो वो देख रहा है इधर उधर, तो दूसरा कोई दिखना है गाइस, शायद गाइस कोई निकलेगा नहीं गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं ही निकाल लेता हूँ हाथ से सबको। तो ऐसे करते गाइस सबको मैं ही हाथ से निकाल देता हूँ, और मोटे कबूतर को उसके खन में रख देते हैं। और इतने पंख निकाल चुके हैं गाइस, और इसके उसके खन में रख देते हैं एक साइड, वो अभी उड़ेगा नहीं। और मादा नीचे आ रही है गाइस, अभी इनके लिए रखते हैं पानी, और ये लेके जाते हैं अपना पिंजरा वापस, और इसमें रखेंगे पानी। इधर गर्मी बहुत होती है गाइस, तो ये मैं निकाल, मतलब ये नेट है ना वो निकालते रहूँगा, फिर इससे उनको हवा लगेंगी। देख सकते हो गाइस कैसे कर रहे कबूतर न्यू सेटअप पर, गर्मी बहुत हो रही है गाइस इधर ना, ये वाला मैंने सबसे पहले इधर ही रखा था, तो ये अभी घुन मिल गए हैं, और अपने ये बाकी ये वाला और पानी के लिए कर रहे गाइस। तो पानी डाल देते हैं इनके लिए, और अब पियेंगे पानी। वो देख सकते हो गाइस सब कबूतर, ये देखो मोटा कबूतर। ऊपर खरगोश है और नीचे कबूतर, देख सकते हो। और अभी इनके लिए दाना लाएंगे, दाना डालेंगे। बात ये है इधर गर्मी बहुत हो रही है क्योंकि हवा नहीं लग रही, तो ये अभी नेट छोड़ देंगे, और जब जब यहाँ से व्यू देखो गाइस बहुत अच्छा है, ऐसी है नेट गाइस बहुत दिनों के। देख सकते हो अपने कबूतर घुल मिल चुके हैं,
और अंडा लेने की रह गया गाइस, वो मुर्गी का अंडा है। और देख सकते हैं रैबिट बेचने के गाइस, जिनको जिनको चाहिए तो मुझे कमेंट करो, मैं फ़ोन नंबर दूंगा। और फिर देखो तारा कबूतर भी पानी पीने लग गया है। और अब इनके लिए थे मैंने अभी चावल लाया है, चावल इसमें डालेंगे गाइस। ये न्यू सेटअप किया है, खाते है क्या नहीं देखते है गाइस, शायद वो तो खाएंगे नहीं। आह आह आह, तो गाइस इधर रख, गाइस इधर रखने का कारण एक ही है। तो कल क्या हुआ था, और मैंने कल कबूतर छोड़े थे, कबूतर छोड़ने के बाद कबूतर उड़ाए मतलब मैंने नहीं उड़ाए, वो मतलब तार पर चले गए, तार पर जाने के बाद वो उधर से गायब हो चुके और आए नहीं। और फिर मैंने एक दोस्त को फ़ोन किया, उसने बोला कि अभी सीज़न कबूतर का भागने का चालू हो गया बोले, और तू अब पेटी अब उनको कतरी मार के रख, मतलब पंख काट के रख। तो मैंने पंख काटा तो गाइस मेरे इधर बहुत बिल्लियाँ है और मूस भी है, और इसके कारण मैं उनको तो पंख काट नहीं सकता, क्योंकि पंख काटने के बाद कबूतर उड़ नहीं सकते। तो बिल्ली कभी भी हमला कर सकती है, हमला करने के बाद गाइस कबूतर को कभी भी लेके जा सकती है। तो अभी धूप काला ख़त्म हो चुका है, तो मैंने बोला मेरे को भी काम रहता है, तो गाइस इधर ही रखती है कबूतर। देख सकते हो आप मेरे पीछे है उनका सेटअप, देख सकते हो। तो इधर अब नए कबूतर लाने का विचार है गाइस, चल रहा है क्या लाना है और रखना है, और तारा कबूतर के लिए भी मादी लानी है, तो देखते हैं गाइस। तो वैसे ही है। तो गाइस पर अपने चैनल पे एक काम नहीं होगा, क्योंकि मैं आज से कबूतर नहीं उड़ाऊंगा नहीं गाइस। तो इसके कारण आप वीडियो नहीं, मतलब मैं बनाऊंगा वीडियो, पर रोज़ बनाऊंगा, डेली वीडियो आएंगे, पर अपने उड़ने वाले नहीं आएंगे, सिर्फ कबूतर के टिप्स एंड ट्रिक की आएंगी, मतलब अपने कबूतर क्या चालू है, कैसे चालू है, क्या कर रहे हैं, बस यही चालू रहेंगे बताना। तो किस अब सर ने अंडे दिए क्या नहीं, और यही चालू रहेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही गाइस, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑन आइकन सब ऑल कर दो गाइस। तो अपन को 1K करना है, और अपन को बहुत कबूतर लाने गाइस, ये 5-6 कबूतर से कुछ मन नहीं भरता गाइस, और सिराजी कबूतर लाने, अक्कड़बाज, बहुत सारंगपुरी और मद्रासी खास करके, और रेसर कबूतर तो लानी है गाइस। और रेसर कबूतर लाने के बाद गाइस सेटअप यही नहीं रहेगा अपना, जब जब मतलब धूप काला आएगा तब तक अपने कबूतर बाहर रहेंगे, मतलब धूप काला आया पेटी बाहर, धूप काला चला गया पेटी अंदर, धूप काला आ गया कबूतर उड़ना चालू, धूप काला गया कबूतर उड़ना बंद, बस आज से यही रहेगा। और कबूतर लाऊंगा गाइस, बहुत विचार चालू है मेरा अभी। और तो मेन बात गाइस, इधर मुर्गियाँ भी रहती है, और एक ही डर है इधर मुर्गियाँ और कबूतर। आप भी देखते हो मेरे वीडियो में, आप मैं बताता भी हूँ कि मैं जैसे कबूतर छोड़ूंगा तैसे ही मुर्गियाँ आ जाती है। तो अब क्या होगा गाइस, मुर्गियाँ के घर में कबूतर चले आए, तो अब देखते हैं गाइस मुर्गियाँ क्या रिएक्शन रहती है। तो खास करके तो मैं दरवाज़ा लगा के रहूँगा, क्योंकि कबूतर को मारती है गाइस, और तारा कबूतर की पंख काटे तो देख सकते हो गाइस वो कैसे हो चुका है। और अपने कबूतर ये देखो ऊपर है, और गाइस मैंने सबसे पहले जोड़े लाए थे तो यही रहते थे, मेरे पास पेटी नहीं थी गाइस, और पेटी मैंने 300 रुपये की मतलब लाया था, 300 रुपये में लाया था। ये अपना नीले दो बाज का बच्चे वाला जोड़ा है ना, वो मैंने लाया था 600 रुपये में लाया था, तो सबसे पहले मैंने उसको यही रखा था। और ये देख सकते हो ये नर है ना, ये यहाँ से भागा था, पहले नीचे नहीं रखता था, ये ऊपर रखता था खरगोश के पास। और जैसे पहले दिन मैंने वो जोड़ा लाया, मध्य को लगा दी कतरी, और मतलब पंख काटे, और ये वाले अपने कबूतर को मतलब एक साइड पंख काटे और एक साइड ऐसे रहने दिया, और उड़ा मतलब अंदर डाल दिया। जैसे अंदर डाला वो रैबिट को डर के मेरे मुँह में ऐसा आके चला गया गाइस। तो उस दिन बहुत भागा था, और देख सकते हो उनके रिएक्शन, देखो कहाँ पर चला गया गाइस। तो देख सकते हो, तो गाइस चैनल पे न्यू हो तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ गाइस, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन फैल आइकन सब ऑल करो गाइस। और न्यू कबूतर आएंगे गाइस, और अच्छे कबूतर लाऊंगा मैं, और मिलते हैं गाइस कल के नेक्स्ट वीडियो में। चलो गाइस बाय।